हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। मेरा नाम है अंकुश शर्मुख और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कम्प्लीटली बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं कीबोर्ड प्ले करना और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम वो क्या जो सिलेबस है वो फॉलो करने चाहिए, कौन से टॉपिक से हमें स्टार्ट करने चाहिए सीखने को, तो वो मैं आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अच्छे से सुनिएगा, कुछ भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए, अगर आपको सही में इंटरेस्ट है, पियानो या कीबोर्ड अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी वाली कीबोर्ड ले लीजिए। अच्छी मतलब ऐसे नहीं कि महंगी कीबोर्ड, एटलीस्ट जो ट्राई कीजिए कि जो 61 कीज वाले जो कीबोर्ड आते हैं, जो मेरे पास है, उतना बड़ा आप कीबोर्ड शुरू में खरीद ले अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो। क्योंकि अगर आप छोटे कीबोर्ड लेते हैं तो बाद में कॉर्ड्स आप नहीं प्ले करेंगे और बिना कॉर्ड्स के कोई मतलब नहीं है, अच्छा सुनाई नहीं देता है, है ना। तो चालू हो जाते हैं 6000 से, चालू हो जाते हैं 5 से 6000 से, इतने बड़े वाले कीबोर्ड। तो 6000 से आपके जितने भी आगे बजट है उतना आप ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, है ना। ये हो गया सबसे पहले बात। उसके बाद जो है आप स्ट्रक्चर से चालू कीजिए, इसको समझिए कीबोर्ड में कि कौन कौन से बटन्स होते हैं, कौन कौन से कीज होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, वाइट कीज होते हैं, ब्लैक कीज होते हैं, इन कीज का जो नेम क्या है वो आप समझिए, पढ़िए इसको अच्छे से, इनके फंक्शंस जानिए सबसे पहले कि फंक्शन में क्या क्या हम कर सकते हैं कीबोर्ड में, ताकि जो आगे हम सीख रहे हैं या सीखने के बाद जो टोन्स है वो आपको एक अच्छा मिले यहाँ से आउटपुट, है ना। उसके लिए जो है आप हमारा ये म्यूजिक थ्योरी का बुक ले सकते हैं, पियानो जीरो से हीरो नाम है इस बुक का, हिंदी पे लिखा हुआ है, टॉप सेलिंग का बुक है इंडिया में। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इसका लिंक हमारे वेबसाइट से इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं आप, है ना। इसमें पूरे डिटेल से दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर के बाद है आप सरगम्स वगैरह सीखिए और इसके जो है सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में सीखिए। अल्टीमेटली हमको सॉन्ग्स ही प्ले करने हैं, तो सॉन्ग के स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लीजिए। स्ट्रक्चर मतलब सॉन्ग का स्ट्रक्चर होता है, जो मुखड़ा, कोरस, वर्स, इंट्रो, आउट्रो, वो सीखिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है पूरे म्यूजिक में, सबसे ज़रूरी चीज़ है स्केल्स। स्केल्स पे आप ध्यान लीजिए, जी जान लगा लीजिए उसको रटने में, सीखने में, समझने में, आपको जो करना है करिए। लेकिन जो टोटल होते हैं 12 मेजर स्केल एंड 12 माइनर स्केल्स, हम बेसिक की बात करें तो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप रट लीजिए अच्छे से। उसके बिना जो है आपको आगे समझ नहीं आने वाली है, मतलब समझ भी आ जाएगी तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा वो सीखने में। अगर ईजी तरीके से सीखने हैं तो स्केल सीख सकते हैं, वो भी हमारे बुक में जो है मिल जाएगी आपको। स्केल सीखने के बाद जो है आप ईयर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ईयर ट्रेनिंग मतलब कोई भी गाने को सुन के अपने से निकालना, देख देख के नहीं, जो नोट्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो देख के नहीं, अपने से निकालना है, उसको बोलते हैं ईयर ट्रेनिंग। वो भी आप हमारे जो है बुक में देख सकते हैं। और हमारे जो प्री रिकॉर्डिंग कोर्सेज भी हैं आपके लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं, वो भी आप परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो ईयर ट्रेनिंग के बाद आता है कोर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं किसी भी कीबोर्ड पे। तो कॉर्ड्स प्ले करने के लिए भी जो है आप हमारे बुक को रिफ़र कर सकते हैं, उसमें थ्योरी दी हुआ है, उस थ्योरी को समझिए, उसको रटिए, पढ़िए, समझिए, जो करना है करिए, लेकिन उसको आप अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉर्ड्स सीख गए ना, उसके बाद ये जब लगभग कंप्लीट हो जाता है, कॉर्ड्स के आगे जो बेसिक होते हैं मेजर और माइनर कॉर्ड, वो सीख लिए, बहुत है आपके लिए अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा और भी एडवांस के कॉर्ड्स जो है आप सीखते चले जाएंगे। तो ये होना चाहिए जो है सिक्वेंस सीखने का, टॉपिक्स हुआ था सीक्वेंस। तो ट्राई कीजिए आप ऐसा लर्न करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरीज होता है तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।